बचपन में भी मैं सोचती थी कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी या एक आईएएस या आईएफएस ऑफिसर बनूंगी एंड यू नो लोगों की सेवा करूंगी. डॉक्टर पापा ने बनने नहीं दिया. पापा को लगता था बेटा तुम खुद पेशेंट दिखती हो, तुमसे कौन इलाज कराने आएगा. आई एम नॉट समवन हु गिव्स अप लाइक दैट. देन फाइनली इस बार आई गॉट इनटू द आईएएस. Hi everyone, I'm Ira Singhal. I'm an IAS officer of 2015 batch and currently I'm posted in North Delhi Municipal Corporation as a deputy commissioner. मेरा बचपन mostly मेरठ में और दिल्ली में बीता है. Honestly, मैं बचपन में ना बहुत ही boring type बच्चा थी. मैं वो perfect वाला बच्चा types थी ना. मेरे पड़ोसी ना कई बार अपने घर में ना मुझे lock कर लेते थे. यानी एक बार नहीं, कई बार हुआ है कि तुम ना हमारे बच्चों के साथ खेलो, उन्हें अपने जैसा बनाओ. सो या आई वॉज एन एंटरटेनिंग चाइल्ड. मैं बहुत ही वेल बिहेव्ड अच्छा बच्चा टाइप्स थी. एंड कॉलेज सो आई डिड माई 12th फ्रॉम दिल्ली. आई इंजीनियरिंग करी, उसके बाद फिर MBA किया. एंड MBA के बाद आई एंडेड अप वर्किंग इन अ रियली अमेजिंग कंपनी कॉल्ड कैडबरी. एंड ट्रस्ट मी, इट्स एज अमेजिंग एज यू थिंक. इतनी अमेजिंग कंपनी है, तुम सोच के देखो. एक कंपनी जिसमें एक कमरा भर के चॉकलेट्स हैं और तुम्हें फ्रीडम है कि तुम जब मर्जी जितना मर्जी फ्री में खा सकते हो. सो बहुत अमेजिंग कंपनी थी, बहुत अमेजिंग मेरा लाइफस्टाइल था. एंड मुझे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिल रही थी. एंड यू नो इंजीनियरिंग MBA ये एक रूटीन चीज़ होती है जो हम लोग आज के डेट में अर्बन इंडिया में तो लोग बहुत कॉमनली करते हैं. बट हुआ ये कि बचपन से मुझे एक चीज़ थी कि मैं ऐसा चाहती थी कुछ कि मेरे जॉब से लोगों की लाइफ बेटर हो. मैं कुछ ऐसा चाहती थी कि मेरे जॉब की वजह से यू नो किसी का दिन अच्छा जाए. तो एक ऐसा टाइम आया कि आई वॉज वर्किंग 20 hour days. मैं एक्चुअली मैं 20 घंटे काम कर रही थी. एंड फिर मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि मैंने 20 घंटे तो काम किया पर किसी की भी लाइफ बेटर नहीं हुई. कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो ये कहेगा कि आपने काम किया, आप यहाँ पे थे एंड इस वजह से यू नो उसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हो, उसकी लाइफ थोड़ी बेटर हुई हो. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई नीडेड समथिंग मोर. इनफैक्ट बचपन में भी मैं सोचती थी कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी या एक IAS या IFS ऑफिसर बनूंगी एंड यू नो लोगों की सेवा करूंगी टाइप्स. बहुत क्लीशेड लगता है मुझे पता है, बट एक्चुअली ऐसे ही सोचती थी मैं. डॉक्टर पापा ने बनने नहीं दिया. पापा को लगता था बेटा तुम खुद पेशेंट दिखती हो, तुमसे कौन इलाज कराने आएगा. एंड आज मुझे लगता है सही बात थी. मैं ऑनेस्टली अपने आप से इलाज नहीं कराती. तो यू नो फिर सो जब मैं कैडबरी में थी एंड मुझे सच में बहुत ज़्यादा फील होने लगा कि मुझे एक ऐसा जॉब करना है जहाँ पे मैं इतनी मेहनत करूँ तो किसी की लाइफ बेटर हो, किसी का दिन बेटर जाए, किसी की फैमिली पे कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़े. एंड तब मैंने डिसाइड किया कि आई क्विट एंड आई ज्वाइन सिविल सर्विसेज. तो आई क्विट माई जॉब और मैं बॉम्बे में थी उस समय एंड वो मैं छोड़ के दिल्ली वापस आ गई. एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. एंड हुआ ये कि मेरे पहले अटैम्प्ट में मुझे फाइनल लिस्ट में नाम मिल गया अपना. आई गॉट सेलेक्टेड. बट सो दिस इज़ वेयर द स्टोरी गेट्स ट्विस्टेड अ लिटिल. हुआ ये कि मेरा नाम तो लिस्ट में था पर मुझे कोई सर्विस एलोकेट नहीं हुई. तो बेसिकली UPSC एक लिस्ट निकालती है जिसमें लिखा होता है कि ये लोग सिलेक्ट हुए हैं. उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो डिसाइड करता है किसको क्या सर्विस मिली. तो मेरे केस में ये हुआ कि मुझे रैंक मिल गया. UPSC ने कहा कि आपको हम जॉब देने के लिए आप एलिजिबल हो, पर DOPT ने कहा कि हम आपको कोई जॉब नहीं देंगे. एंड अच्छा, मेरा रैंक इतना अच्छा नहीं था कि मुझे IAS या IFS में से कोई मिलता. तो मैंने सोचा ठीक है दोबारा तैयारी करते हैं. एंड आई फॉरगॉट अबाउट इट. मैंने इनफैक्ट ये भी नहीं चेक किया कि मुझे क्या सर्विस नहीं एलोकेट हुई. काफ़ी टाइम पर जब मैं अपने सेकेंड अटैम्प्ट की तैयारी कर रही थी 2011 में, तब मुझे फ़ोन कॉल्स आने लगे और लोगों के कि आपको पता है आपके साथ क्या हुआ. मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ. मैंने यू नो बिकॉज मैंने तो रिजल्ट भी ढंग से नहीं चेक किया था. सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट. एंड तब मुझे पता चला कि बेसिकली गवर्नमेंट में सिलेक्शन में कोई डिपार्टमेंट किसी टाइप की डिसेबिलिटी को लेता है, कोई डिपार्टमेंट किसी टाइप की, बट अबिलिटी का इससे कनेक्शन नहीं है बहुत ज़्यादा. तो मेरे केस में मैं अबिलिटी बेसिस पे मोस्टली सब डिपार्टमेंट्स के लिए फिलफिल करती थी कंडीशंस, बट डिसेबिलिटी बेसिस पे मैं सिवाय IAS के किसी डिपार्टमेंट की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती थी. विच बेसिकली मेंट कि मैं सिर्फ एक IAS ऑफिसर बन सकती हूँ, मैं और कुछ बन ही नहीं सकती सरकार में. एंड मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं तो ये एग्ज़ाम इसलिए दे रही हूँ
कि मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ, मैं कुछ पॉजिटिव कर पाऊँ, मैं कुछ चेंज कर पाऊँ. ऑनेस्टली मैंने सोचा कि यू नो लेट मी फाइट दिस बिकॉज ये अनफेयर है. अगर आप फिजिकल ग्राउंड्स पे आप जॉब कर सकते हो, जॉब की जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स आप वो पूरी करते हो, तो जस्ट बिकॉज किसी को आपकी डिसेबिलिटी नहीं पसंद आई, इस वजह से आपको कैसे जॉब से निकाला जा सकता है, आपको कैसे नहीं जॉब दिया जाएगा. आई थॉट दैट वॉज वेरी अनफेयर एंड आई डिसाइडेड टू फाइट इट एंड मैंने कोर्ट में केस फाइल किया इसके लिए. तब तक मेरा सेकेंड एग्जाम भी हो गया सेकेंड टाइम का एंड उसमें भी मेरी सिमिलर रैंक एंड सेम सर्विस की एलिजिबिलिटी बनी जो पिछली बार बनी थी, विच वॉज IRS कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, क्योंकि मेरी वो चॉइस के प्रेफरेंस के हिसाब से वो बन रहा था. एंड सेकेंड टाइम भी मुझे इसी ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिया गया, मेरा कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया. एंड आई थॉट कि अब एक प्रॉब्लम है. PH कैंडिडेट्स को बाय द वे कभी भी जनरल कैटेगरी में नहीं एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के जो मेडिकल क्राइटेरिया हैं PH कैंडिडेट्स उन्हें मीट नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें कभी भी जनरल की सीट नहीं मिलती है. एंड कुछ साल पहले मेरे से किसी का रैंक 4 शायद आया था इन PH कैटेगरी एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि दैट बेसिकली मीन्स कि अगर PH की एक सीट है और किसी का रैंक 1 है और तुम्हारा रैंक 2 है तो तुम्हें सीट नहीं मिलेगी, चाहे जनरल के हिसाब से तुम्हें सीट एलिजिबल है. आई रियलाइज़ कि ये लड़ाई जब तक ख़त्म नहीं होगी कोर्ट केस वाली, कि ये रूल चेंज हो या कुछ इसे चेंज किया जाए तब तक, या मुझे जॉब मिले, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि वो पहले सॉल्व किया जाए. सो मैंने उसके बाद 2012 में अटेम्प्ट नहीं दिया. सो यू नो आई वेंट बैक टू बुक्स, आई गेव माई थर्ड अटेम्प्ट एंड स्ट्रेंजली अगैन आई गॉट अ सिमिलर रैंक एंड सिमिलर सर्विस. बट यू नो थैंकफुली बाय द टाइम द थर्ड अटेम्प्ट एंडेड, कोर्ट केस का जजमेंट आ गया एंड मुझे वो फर्स्ट अटेम्प्ट के बेसिस पे कोर्ट ने कहा कि इन्हें जॉब दो. तो यू नो आई वाज लाइक चलो ठीक है. सो मुझे लगा कि अब तो जजमेंट आ गया है, यू नो अब मुझे बुलाएंगे वो लोग, कहेंगे आओ ज्वाइन करो सीट लो. 2-3 महीने बीत गए, कुछ जवाब नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं उनकी तरफ से. तो फिर मैंने उन्हें कॉल किया एक दिन, मैंने कहा आप लोग क्या कर रहे हैं इसका, कहते अच्छा जजमेंट आ गया, ओ हमें तो पता ही नहीं, उन्होंने चेक ही नहीं किया था, उन्हें पता ही नहीं था. दे सेड अच्छा कागज़ भेजो सारे. सो आई सेंड देम द पेपर्स, उसके बाद फिर से साइलेंस, उसके बाद फिर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, सब शांत, सब यू नो चुप वो. एंड मुझे पता नहीं था कि मतलब यू नो वो क्या कर रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं. सो मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि देख तू खाली बैठी है और तुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, सो आई वो मेरे हिसाब से तू एक बार और ट्राई कर दे, तूने इतने साल तो तैयारी करी है. बट हाँ मैंने 3 बार दिया था तो मुझे थोड़ा सा तो आइडिया था, बट रियली इट्स सो टायरिंग. तो यू नो आई वाज लाइक नहीं भाई नहीं हो सकता, मैं बहुत थक गई थी पेपर देके. बट आई वाज लाइक नहीं यू हैव, बट ऑनेस्टली और कोई ऑप्शन भी नहीं था उस पॉइंट पे, तो आई थॉट कि चलो दे देते हैं. एंड तैयारी थी, आई एम नॉट समवन हु गिव्स अप लाइक दैट. आई स्टार्टेड एनालाइजिंग माई सेल्फ, ऑनेस्टली आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मैंने पहले क्या क्या गलत किया था. I went into that and I, you know, looked at my errors, corrected myself. So, and you know, आपको ना इस एग्ज़ाम के लिए 2000 लोग बोलेंगे ऐसे करो, ये सही है, ये करो, वो करो. जब तक आप सुनते रहोगे तब तक आप कन्फ्यूजन में रहोगे. और आपके मेरे साथ तो एटलीस्ट ये हुआ, मैंने ये फाइनल अटैम्प्ट में डिसाइड किया आई रियली डोंट केयर. इस समय मैं सिर्फ इसलिए एग्ज़ाम दे रही थी बिकॉज मेरे पास आई वॉज वेटिंग फॉर अ जॉइनिंग एंड आई डिडंट नो व्हाट एल्स टू डू विद माई सेल्फ. तो इसलिए मैं वो एग्ज़ाम दे रही थी. तो मैंने सोचा कि अगर मैं अब दे रही हूँ तो फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगी, जैसे मुझे देना है मैं वैसे दूंगी. एंड दिस अटेम्प्ट आई गेव इट यू नो विद बाय बीइंग ऑनेस्ट अबाउट माय परफॉर्मेंस एंड डूइंग थिंग्स द वे आई थॉट आई वांटेड टू डू देम. मैं लास्ट मिनट तक वेट कर रही थी कि प्लीज़ किसी तरह से मुझे पेपर ना देना पड़े, मेरी ज्वाइनिंग आ जाए और मेरे पास एक्सक्यूज़ हो जाए. तो मैंने प्रीलिम्स के आखिरी दिन तक वेट किया, कोई लेटर नहीं आया, कोई चिट्ठी नहीं आई, जाके प्रीलिम्स देना पड़ गया. फिर मैंने मेंस तक वेट किया, एक महीना पहले तक मैं वेट कर रही थी बहुत डेस्परेटली, प्लीज़ आके मुझे बचा लो इस एग्ज़ाम से. नहीं हुआ, कोई चिट्ठी नहीं आई. एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले मेरे को एक चिट्ठी आई सेइंग कि आप एग्ज़ाम के अगले दिन आके ज्वाइन करो. सो आई रन आउट ऑफ एक्सक्यूजेज फॉर नॉट गिविंग दिस एग्ज़ाम. एंड यू नो जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हुआ आई गेव द एग्ज़ाम एंड लाइक आई सेड आई गेव इट द वे आई थॉट आई वॉन्ट टू गिव इट. आई वेंट बैक टू माई बेसिक्स, आई वेंट बैक टू माई रूट्स एंड आई रोट द वे आई वॉन्ट टू राइट आंसर्स, नॉट द वे एवरीबडी एल्स सेड कि आपको ऐसा लिखना चाहिए. देन फाइनली इस बार आई गॉट इनटू द IAS एंड लाइक आई सेड आई एम करंटली पोस्टेड इन दिल्ली इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. सो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी फॉर दिस एडवाइस कि यू नो व्हाट इज़ द राइट एज टू गिव दिस एग्जाम एंड व्हेन टू वी गिव इट एंड क्या करें एंड ऑल.
आई ऑनेस्टली विल जस्ट टेल यू दिस कि द राइट एज इज़ वेन यू फील प्रिपेयर टू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सो मेनी लाइव्स बिकॉज एवरी डिसीजन दैट यू मेक अफेक्ट्स अ फ्यू हंड्रेड लाइव्स समडे यू नो एवरी डे दैट आई गो टू ऑफिस 300-400 लोगों की ज़िंदगी पे ऐसे ही असर होता है तो आप ये सोच के चलिए कि क्या आप दूसरों की लाइव्स के बारे में डिसीजन लेने के कैपेबल हो चुके हैं एंड ये जल्दी जो है इस एग्ज़ाम को पास करने की वो थोड़ी सेल्फिश होती है तो मेरे हिसाब से जिस दिन आपको लगता है कि आप प्रिपेयर्ड हो एंड जिस दिन आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो उस दिन आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना चाहिए. हम लोग ना क्या करते हैं एज स्टूडेंट्स, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है. हम ये नहीं सोचते मुझे इस जॉब में जाके क्या करना है या ये जॉब किस चीज़ के लिए है. एंड दैट्स माई प्रिसाइज पॉइंट कि ये जॉब आप अपने लिए नहीं कर रहे हो. ये जॉब एक वन ऑफ द फ्यू जॉब्स इन द वर्ल्ड है जो दूसरों के लिए होता है. तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट लाइक दैट कि किस दिन आप उतना प्रिपेयर्ड हैं कि आप दूसरों की लाइफ्स को पॉजिटिवली अफेक्ट कर पाएंगे, उनके लिए डिसीजंस ले पाएंगे एंड यू आर रेडी टू टेक ऑन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सम ऑफ द थिंग्स दैट आई एंडेड अप डूइंग इन माई जॉब आर दैट आई रेस्क्यूड अराउंड 340 चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबरर्स इन वन ईयर ऑफ माई पोस्टिंग एज एन SDM. You know, one of the other things that I got to do is I got to employ, I got an opportunity and I think I might be the first person to give employment to transgender people in a government office. मैंने full time employment दिया है दो transgenders को जिन्हें उनके परिवार वाले भी धक्का मार के बाहर निकाल चुके थे. I hope you all do really, really well. Trust me on this, not everybody is happy doing the same thing. So be a little different, choose your own path. You want to come into the services, great, come. But be prepared mentally for what you're doing and not for the exam. Exam ki tayari mat karo, is job ki tayari karo. So good luck to everyone. I hope you all get in.